हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी सेक्शन के नेक्स्ट मॉक टेस्ट की। इससे पहले आपके जितने भी मॉक टेस्ट पेपर आ चुके हैं कृपया करके वो भी जरूर देखिएगा, बिकॉज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, आपको इस चैनल पर HP पुलिस की तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। क्वेश्चन को रीड कीजिए। निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है, जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल, निश्चित। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए। जिजीविक्षा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातज्ञ। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। स्वावलंबी शब्द का अर्थ है स्वावलंबी, स्वत, उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जानने की इच्छा रखने वाला का शब्द बताइए आप, एक शब्द क्या होगा। जिजीविक्षा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातज्ञ। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है जल्दी से पढ़िए। कनिष्ठिका और मध्यता के बीच की उंगली को कहते हैं अनामी, अनामिका, अनामिका, अनिमिका, अनामिका। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अनामिका। नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। चंद्रशेखर, चंद्र शेखर, चक्रगर, चंद्रग्रहण। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इसके जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। मामृत, नेक्स्ट क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक लगाने से किस अन्न का प्रयुक्त होता है। गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए प्रयुक्त शब्द आपको बताना है। अंडज, शूद्र, अंत्यज, अशूत। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। खाद्य सामग्री जो यात्री के लिए के समय यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। स्वयलम पहार, पथ्य, पाथ्य, उपहार। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। आधी रात का समय सवररी, पीबावरी, निशा, निशीत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है पृष्ठभूमि, निपित, मंच पृष्ठ, गृहमंच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो से हुआ हो, कन्या पुत्र, कनिन, अवैध पुत्र, कुमारी सूत। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जरूर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। पेट के अग्नि के लिए शब्द आप बताइए क्या होता है।
दवाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर जो आता होगी होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन, जठराग्नि। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है, अभावग्रस्त, अंकिंचन, दीनहीन, महादीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट, जिसके बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांशों के लिए आपको शब्द बताना है कौन सा है, योगी, मुक्त, कामी, मुमूर्षु, तपस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए लगभग 16 क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि आपका मार्क्स कितने आए हैं। यदि आपके 14 प्लस मार्क्स हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चली हुई है। यदि इससे लो हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, निराश नहीं होना है। ये थी वीडियो। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।